नमस्कार बाबा राष्ट्रीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। अब चलते हैं खबरों की दुनिया में। श्रद्धांजलि देने पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति सदस्य आलोक कुमार सोरेन जी। शहीद दिवस के अवसर पर दलदली में केंद्रीय समिति सदस्य श्री आलोक कुमार सोरेन जी ने शहीद साइगत मरांडी एवं लुखीराम टुडू के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर जल जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपने अधिकार के लिए अंतिम सांस तक हम लोग मिलकर लड़ेंगे। ज्ञात हो कि 6 दिसंबर 2008 को पावर प्लांट निर्माण के विरोध के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 लोगों की मौत तथा शिवलाल सोरेन जी की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। तत्पश्चात उन्होंने जल जंगल जमीन रक्षा समिति क्लब दलदली आमागाछी पोखरिया के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच का उद्घाटन किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, साथ ही इसमें रोजगार की भी असीम संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा दी जा रही है, परिणाम स्वरूप खिलाड़ी भी बड़े पद पर आसीन है। विजेता टीम रेडी टू रेस को मुख्य अतिथि आलोक जी ने प्रथम पुरस्कार स्थानीय मुखिया जार्मेन हंसदा के द्वारा टीम 3 स्टार को द्वितीय पुरस्कार, झामुमो कार्यकर्ता जोसेफ बेसरा के द्वारा महिला फुटबॉल की विजेता टीम JSC उल बगान को प्रथम पुरस्कार तथा झामुमो कार्यकर्ता रजनीश कुमार के द्वारा उप विजेता टीम FC शिशु बगान को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। सचिव दुलाल बेसरा, उदित सोरेन, जयराम मुर्मू, नरेश मरांडी, सुनील मुर्मू, पलटन मुर्मू, संखाई किस्कू, जॉनी टुडू, लाला अंसारी, अहमद हुसैन एवं अनेक कार्यकर्ता और हजारों दर्शक उपस्थित थे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।